गाइस बैक अगेन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं Samsung Galaxy A22 फोन में और जो कि इनकमिंग कॉल या फिर ऐप नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट को सेट करना चाहते हैं कैसे आप सेट करेंगे, ये मैं आपको सेट करने के बिल्कुल सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते अगर आपके पास कोई भी इनकमिंग कॉल आए या फिर किसी भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आए तो अगर आप भी इडिज लाइटिंग को अपने फोन की स्क्रीन के बॉर्डर साइड में सेट करना चाहते हैं तो अगर आप नहीं कर पाते मैं आपको सेटिंग करके बता रहा हूं अपने फोन में इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करके लाइट इफेक्ट को गाइस कैसे बिल्कुल सेट कर सकते हैं। आपके पास जब कोई भी कॉल आएगी तो यहां आपको लाइट का इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आएगा तब भी आपको यहाँ पे लाइट का इफेक्ट बिल्कुल गाइस देखने को मिलेगा। तो कैसे करना सेट ये मैं आपको सेट करने की सेटिंग गाइस बिल्कुल बता रहा हूं, ठीक है। यहां देखिए आपको हमारा फोन मिलेगा, आपको पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेना, सर्च बार में जाकर आपको इडिज लाइटिंग को सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पे सर्च करेंगे कुछ आपको यहाँ पे ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा जहां पे बहुत से एप्लीकेशन मिलेंगे बट आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इडिज लाइटिंग एंड इडिज कलर नोट का ऑप्शन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने इसको ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा, तो हम देखिए एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। एप्लीकेशन हमने कैसे ओपन किया, कुछ आपको सेम फिर से ऐसा इंटरफेस आएगा इडिज लाइटिंग एंड इडिज कलर नोटिफिकेशन, ठीक है। यहां पर ऐड आएगा, ऐड को भी आप यहां पे स्किप कर देना, स्किप करेंगे आपको मिलेगा एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन, यहां पर गाइस क्लिक करके आपको इडिज लाइटिंग पर गाइस क्लिक कर लेना, अलाउ के ऑप्शन पर गाइस क्लिक कर लेना, आपको मिलेगा इनेबल का ऑप्शन, इसको गाइस क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना, ठीक है। आपको सेम उस एप्लीकेशन को परमिशन देके यहां पे अलाउ कर देना है, यहां से बैक आना दोबारा आपको, ठीक है। अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपको देखिए यहां पे लाइट का इफेक्ट सेम ऐसे देखने को मिल गया, ठीक है। अब आपको मिलेगा डिस्प्ले विल इनकमिंग कॉल, इसको इनेबल करके ओके पर क्लिक कर देना, क्लिक करेंगे सेम फिर से आपको उसी एप्लीकेशन को परमिशन देके यहां पे अलाउ कर देना है, अलाउ करेंगे ऐसे बैक आना, फिर से बैक आना, आपको मिलेगा डिस्प्ले विल स्क्रीन ऑफ और लॉक, इसको भी इनेबल कर लेना, ठीक है। इसको भी इनेबल करेंगे, आपको मिलेगा डिस्प्ले विल इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन, इसको भी इनेबल कर लेना। अब आपको मिलेगा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके गैलेक्सी और फ्लेक्सिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको यहाँ पे यूज करना है उसको आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लेक्सिंग यूज करेंगे सेम ऐसे आपको यहाँ पे लाइट का इफेक्ट देखने को मिलेगा या फिर गैलेक्सी यूज करेंगे तो आपको ऐसे सेम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहां आपको मिलेगा नीचे कलर का ऑप्शन, कलर में जो कलर आपको चाहिए उस कलर को यूज कर लेना। नीचे आपको मिलेगा मिक्स कलर, इसको इनेबल करके आपको मिक्स कलर में जो कलर चाहिए आप उस कलर को यहाँ पे लेके यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन है, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 0 सेकंड, जो भी टाइमिंग को आपको यहाँ पे सेट करना है बिल्कुल गाइस सेट कर सकते हैं। अब आपको नीचे मिलेगा स्लो मीडियम फास्ट, तो हम यहाँ पे मीडियम में गाइस कर देते हैं, यानी कि मीडियम भी नहीं स्लो भी हम करेंगे, ठीक है, एकदम स्लो में करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे स्लो में कर दिया और फिलहाल अभी कुछ यहाँ पे सेम ऐसा स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको मिलेगा इसकी जो साइज है, साइज पहले से इंक्रीज करके और बड़ा करना चाहते हैं या फिर गाइस साइज को आप छोटा यानी कि पतली लाइनिंग करना चाहते हैं वो भी गाइस आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए लाइट का इफेक्ट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप भी अपने Samsung Galaxy A22 फोन में इसको इनकमिंग कॉल नोटिफिकेशन ऐप नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट को सेट करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस सेट कर सकते हैं। गाइस तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।